पर आमतौर पे दोस्तों आपको भूलने की बीमारी होने लगे तो आप सूर्य भगवान को जल दें और गणपति जी को इष्ट बना करके उनकी साधना शुरू करें। और ये गणपति जी का जो महामंत्र है, पहले भी इसके प्रयोग आपको दे चुका हूँ, फिर मैं मंत्र बता रहा हूँ। ओम नमो सिद्धि विनायकाय सर्व कार्य कर्तरे सर्व विघ्न प्रशमनाय सर्व राज्य वश्य करणाय सर्वजन सर्व स्त्री पुरुषाकर्षणाय श्री ओम स्वाहा। इस मंत्र का दोस्तों सुबह 9 बजे के बाद जाप करना है और शाम को 4 बजे से पहले पहले जाप करना है। तो इस मंत्र की एक माला का जाप करें और जाप करने के पश्चात कुछ पॉइंट्स अपने लिख लें, जो भी आप लिखना चाहें, कोई आपके कारोबार की बात हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई दूसरी बात हो जिसको आपको लगता था कि बार बार ये चीज़ें भूली हैं मुझसे, फिर आप दूसरे दिन लिख के उनको रख दें गणपति जी के चरणों में। फिर दूसरे दिन ऐसे लिख के रख दें कोई पॉइंट्स, तीसरे दिन ऐसे लिख के रख दें पॉइंट। और रात के टाइम पे एम शब्द, जो माँ सरस्वती जी का बीज मंत्र है, बीज शब्द है, एम शब्द का उच्चारण करें। और एम शब्द का उच्चारण आप मयूर पंख जो मुद्रा है उसको धारण करते करते एम शब्द का उच्चारण करें और ध्यान करते करते शब्द का उच्चारण करते करते सो जाएं। और जैसे आपको लगता नींद आने लगी है तो मन से प्रार्थना करें कि हे सरस्वती माँ, हे गणपति देव, मुझ पर कृपा करो, मैं किसी वस्तु को भूलना नहीं चाहता, मैं बहुत अपमानित होता हूँ। और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अपने रूम में कोई ना रखें, इलेक्ट्रॉनिक मीन टीवी रूम में नहीं होना चाहिए, स्टीरियो रूम में नहीं होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन रूम में नहीं होना चाहिए, रखें तो बंद करके रखें। अगर टीवी रखा है तो उसको आप मेन स्विच बंद करके रखें, जो मेन स्विच बंद नहीं करेंगे तो रेजे जाने में बाधा होती है। अपने रूम में ग्रीन प्लांट्स रखें और आपके जन्मदिन के ऊपर माँ सरस्वती जी की पूजा करें और वर्षफल में मुंता जहाँ हो उस ढंग से जन्मदिन के ऊपर पूजा करें, जैसे आपको आपके एस्ट्रोलॉजर बताएं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप भूलने की बीमारी से ठीक होने लगे हैं, दूर होने लगे हैं। और छोटी सी प्रॉब्लम है, बच्चों को भूलने की बीमारी है, तो आप एम शब्द को बोलना शुरू करें, एम एम एम। और तंत्र कहता है कि जो आप भूलते हैं किसी चीज़ को, आप उसको सुनते नहीं हैं ध्यान से, आप उसको ग्रहण नहीं करते हैं ध्यान से। और जिस चीज़ को आप ध्यान से ग्रहण कर लेते हैं वो आपके दिमाग के कंप्यूटर में चली जाती है, आप नहीं भूलते हैं। या कभी कभी रिसीविंग पावर आपकी कमज़ोर हो गई तो जब हमारे लिप्स नहीं हिलते हैं, हम एम शब्द को बोलते हैं। और इसमें थोड़ी सी दोस्तों एक ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ भूलने की बात है तो आप ऐसे रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें, आप चेयर में बैठें, आसन में बैठें तो रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें, बेड में बैठें तो रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें, फिर जब लेट जाएं तो जैसे भी हो, तो उससे एक आपकी बॉडी में अलग प्रकार की गूंज होती है, अलग प्रकार की एक वाइब्रेशन जो होती हैं वो आपके आपकी बुद्धि को ठीक करती हैं, आपको जो भूलने की समस्या है उसको ठीक करती हैं। पर ये बच्चों के लिए लाभदायक है, युवा वर्ग के लिए लाभदायक है, अगर 70 साल का व्यक्ति करेगा तो इम्प्रूव होगा, पर ऐसा कहे कि पूरा पूरा बच्चों जैसा हो जाए तो बात नहीं हो पाएगी। पर इससे बहुत लोगों को लाभ हुआ है, क्योंकि मैं जब स्कूल में अध्यापक था तब भी बच्चों को ऐसे प्रयोग करवाता था। मेमोरी शार्प, मेमोरी शार्प होती है।